शराब बंदी वाले बिहार में शराब के मामले में गिरफ्तार किए गए दारोगा करते थे शराब कारोबारियों की मदद, भेजे गए जेल। मुजफ्फरपुर में इन दिनों शराब से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ताजा मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र की है, जहां करजा थाना में तैनात दारोगा को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दारोगा जी शराब बंदी वाले बिहार में शराब बंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे और शराब कारोबारियों की मदद कर रहे थे। दारोगा जी ने अपने थाना क्षेत्र से बाहर जाकर शराब कारोबारियों की मदद की। करजा थाना में प्रभारी थाना अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित बीके यादव को पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही से गिरफ्तार किया है। दरोगा बीके यादव शराब माफियाओं के साथ मिलकर लंबी चौड़ी डील को फाइनल कर रहे थे, तभी गुप्त सूचना के आधार पर जिला पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी करके रंगे हाथों दारोगा जी को गिरफ्तार कर लिया। दारोगा जी के साथ साथ पुलिस ने स्प्रीट से भरे ट्रक के साथ तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज की घटना से एक कहावत साफ साफ चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने की जिम्मेदारी दे दी गई थी, लेकिन जिला पुलिस की सूझबूझ और समझदारी के कारण आरोपी दारोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। सर, एक एसआई की सूचना मिल रही है शराबबंदी मामले में पकड़े जाने की। कल ELTF की टीम और मद्य निषेध की टीम ने मुजफ्फरपुर में रेड की थी। रेड के दौरान 4400 लीटर स्प्रिट, जिसको राज्य के बाहर से लाया जा रहा था, उसको बरामद किया गया है। इस दौरान तीन व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें से एक 2018 के बैच के सब इंस्पेक्टर हैं, जो कि प्रोबेशन में थे, वो भी वहां पर ही मौजूद थे। इनको अरेस्ट किया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। आज की घटना को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि शराब बंदी कानून के फेल होने का कारण शराब कारोबार में लिप्त ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं, जिनके कारण बिहार सरकार के शराब बंदी कानून को लागू करने में और पूर्ण शराब बंदी करने में सरकार को काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिहार लाइव नाउ के लिए मुजफ्फरपुर से अभिषेक रंजन की रिपोर्ट।